नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। झांसी के क्राइस्टचर्च कॉलेज में पवित्र बाइबल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मसीह को मानने वाले अनेक लोग हजारों की संख्या में वहां पहुंचे। वहां बाद में चर्च के पादरी ने लोगों को संबोधित किया और बाइबल के शुद्ध विचारों को रखा, बाइबल को संपन्न किया है और बहुत अच्छी तरह उसको मनाने के लिए आप लोगों का सहयोग है। ये बाइबल फेस्टिवल इसलिए रखा है कि माता पिता बच्चों को यह बताए कि ईश वचन में ही जीवन का स्रोता है। इसलिए हमारे ये बच्चों को हम लोग पैसा देते हैं, खिलौना देते हैं और सब कुछ करने के लिए देते हैं। यदि हम बच्चों के हाथों में जीवन का वचन नहीं देता तो क्या लाभ है, आप ही सोच लीजिए। इसको हम आप में पहुंचाने के लिए ही ये बाइबल फेस्टिवल रखा है। एक हर एक माता पिता का कर्तव्य है कि जीवन का संचार करने वाले ईश वचन को अपने बच्चों को प्रदान करें, अपने बच्चों को धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि धर्म ग्रंथ जीवन का स्रोत है और वो जीवन है जिनके जीवन को हमको जाने के लिए हमको तैयार करते हैं। इसलिए ईश वचन पढ़ने के लिए सब लोग उत्साह रखे। कोई कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, आजकल माता पिता बाइबल लिखते हैं मगर अपने बच्चों को एक क्लास पढ़ने के किताब पढ़ने पढ़ाई का किताब खरीदते हैं, उसके साथ पहले ही एक बाइबल खरीद कर दे दें और बाइबल पढ़ने की रुचि बच्चों में डाले। इसलिए वो लिखा है लव द वर्ड ऑफ गॉड और लीव द वर्ड ऑफ गॉड। हम यदि पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, कैसे हम समझेंगे, हम कैसे हम जिएंगे। इसलिए मैं सब बच्चों से ये अनुरोध करता हूं, हर एक बच्चों के हाथ में एक बाइबल होना चाहिए और यदि आपको उसको खरीदने के लिए पैसा नहीं है, हम लोग बलि पुरोहित के द्वारा आपको दिलवाएंगे, मगर पूछ करके ले लो बलि पुरोहित से, एक एक बाइबल ले लो और उसको पढ़ने के लिए कोशिश करो। सबों को बाइबल चाहिए कि बाइबल के आधार पर ही हमारा क्रिश्चियन जीवन चलना है। दूसरों को देखते नहीं, वो पुरोहित क्या करते हैं, वो सिस्टर क्या करते हैं, वो ये करते हैं, ये करते हैं, ये देखे नहीं, बाइबल के आधार पर ही हम अपने जीवन बिताना है। इसलिए ये फेस्टिवल, बाइबल फेस्टिवल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए ये बाइबल कमीशन